अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पंजाब की 13 एसोसिएशनों पर आधारित जॉइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेज जैक की मीटिंग सतनाम सिंह संधु, चरणजीत सिंह वालिया, मनजीत सिंह की अगुवाई में आयोजित की गई। मीटिंग संबंधी जानकारी देते हुए जैक के महासचिव तथा फतेह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रामपुरा फूल के चेयरमैन सुखमंद्र सिंह चट्ठा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष -2010 में एससी विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत योग्य एससी विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा करना होता है। योजना को लागू करते समय सरकार द्वारा राज्य के सभी कॉलेजों को एससी विद्यार्थियों से बगैर फीस लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। प्रतिवर्ष 3 लाख दलित विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत राज्य के 1650 उच्च शिक्षण संस्थान एससी विद्यार्थियों को वर्ष 2010 से बगैर फीस लिए शिक्षा देते आ रहे। चट्ठा ने बताया कि कुछ वर्ष तक स्कॉलरशिप की राशि आने के बाद वर्ष 2016 से इसे नहीं किया गया, के चलते शिक्षण संस्थानों की 1850 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप राशि सरकार की तरफ फंस गई है। पंजाब गवर्नमेंट नूं ते साडे पंजाब दे लोकां नूं ते खास तौर ते दलित भाईचारे दे विद्यार्थी ते उन्हां दे मापिआं नूं इह अपील करना चाहुंदे आ कि पिछले लंबे समय तो जिहड़ा दलित भाईचारे दे विद्यार्थियों दे नाल उन्हां दी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नूं रोक के जो धक्का किया जा रहा है उस धक्के रोक के जी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हैगी पिछले 4 साल 16-17 तो लैके जी है 19-20 तक वो इमीडिएटली रिलीज़ की जाए ताकि असी सारे पंजाब के 1650 सैल्फ फाइनेंस अनएडेड कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ असी मजबूर ना हो कि असी इन्हों दलित विद्यार्थियों तो जो कि सानू पता भी वो पे कर नहीं सकते इस करके असी 4 साल तो पढ़ाते आ रहे हैं तो उन्हों तो फीस मंगन तो असी मजबूर ना होइए सानू ये सरकार फीस मंगन लिए मजबूर ना करे तो साड़ी केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार ने अपील है कि जिहड़ा भी पिछला बकाया रहिंदा साडा वो 30 तरीक तक रिलीज़ किया जाए नहीं तो असी जो है इन्हां जिहड़े तकरीबन 2.5-3 लाख विद्यार्थी जो साडे कोल पढ़ रहे हैं दलित भाईचारे के असी मजबूर होवांगे उन्हां विद्यार्थियों तो फीस मंगन लिए तो असी मजबूर होवांगे जिहड़े विद्यार्थियों ने अगे दाखला लेना उन्हां विद्यार्थियों नूं जरा फीस दे तहत ही दाखला देने की असं होवांगे फीस तो बिना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दाखला नहीं दे सकते तो साड़ी इस मजबूरी नूं समझदे होए असी फिर एक बार साडे पंजाब दे मानयोग सीएम साहब नूं अपील करदे जिवें पहला उन्होंने साडी ड्रॉप आउट की बहुत वड्डी समस्या हल की है इसे तरह ही साडी फी कटिंग की मसला हल करके ये जिहड़ा पैसा है ये रिलीज़ करके ये दलित विद्यार्थियों के भविष्य में खतरे चो पाउण तो रोकिया जाए तो इन्हां दलित विद्यार्थियों ने जिहड़े लई है ये विद्या के मंदिर बंद ना हो उन्हां दी जिहड़ी उचेरी पढ़ाई करके साडे समाज दे उप्पर तो वधो कंट्रोल करदे आ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।